बसमिल्लामानीम तलख़ीस दरूस अल क़ुरान मतालबल फ़ुर्कान सरा अलफ़ाहा तफसर कुरान बिलकुर अज अमामा ग़ुल अहमद परवेज साहब अखज़ व तलखीस मोहम्मद अकबर दिक्षित भारदाच नजरसानी डाक्टर इनामुलहक़ एम्फुल पी एच डी इस्लामिक स्टडीज आयत नंबर तीन माले के योम तीन, जिस दौर में भी मेरे कवानीन पर मबनी दीन के अंदर रहते हुए जिंदगी बसर की जाएगी उस दौर में किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान पर किसी किस्म का एक इख्तियार ना होगा और तमाम इंसानी अमूर का फैसला बाख्तियार निज़ाम अद्दीन करेगा सूरह नंबर बयासी आयत नंबर उन्नीस मालिक का मफहूम पीछे हम खुदा की सफात रबूबियत रहमानियत और रहीमियत को समझ आए हैं जिनका बुनियादी नुकता सामान नश्व नमा देने का है किसी शह को नुकतः आगाज से नुकतः तकमील तक सामान नुमा बतदरीज तसलसल के साथ पहुँचाए चले जाना सिफत रहीमियत है और इमदद जरूरत एमरजेंसी में फिजाई तौर पर हंगामी तौर पर सामान नश्व नमा मुहैया करना खुदा की सफत रहमानियत है ज़ाहिर है कि सामान नशो वही दे सकता है जिसका सामान नश्वनुमा पर कंट्रोल हो जिसका इकतदार हो जिसकी अथॉरिटी हो उसके लिए सिफत रबूबियत रहमानियत और रहीत के बाद इस आयत में सिफत मालिक आई है इस लफ्ज का मादा लाम काफ है यह लफ्ज़ मीम की तीनों हरक़त जेर ज़बर और पेश के साथ आता है यानि मालिक मल्क और मल्क इसी लफ्ज़ से मलकूत और मलकियत भी हैं लफ्ज़ के मादा के कई बुनियादी मानी हैं किसी चीज़ पर कादर और मस्तूली हो जाना मलकियत पर कब्ज़ा होना इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर किसी शय के ऊपर कब्जा न हो तो उसे मलकियत पर किसी भी किस्म की कुदरत व ताकत हासिल नहीं होती नंबर दो कादर और मस्तूली होने के एतबार से बुनियादी मानी है किसी चीज पर इख्तियार इरादा और गलबा अथॉरटी होना जब हम इस लफ्ज को खुदा की तरफ मंसूब करेंगे तो उसमें मलकीजत का तस्वर इंसानों की मलकीजत के तस्वर से मुख्तलिफ होगा नंबर तीन वो मुस्तकम बुनियाद जिस पर कोई चीज कायम हो जब कुरान ने कहा लाहू मुल वाला अर्ज चुरा बकरा आयत नंबर एक सौ सात कायनात की मलकियत उसकी मिल्क उसकी मलकूत खुदा के लिए ही है तो उसका मतलब यह है कि जमीन व आसमान पर उसका पूरा इख्तियार है और उनमें उसी का इरादा चलता है नंबर चार वो जिसके ज़रिए मामला दुरुस्त हो जाए मामला कमाल को पहुंच जाए नंबर पांच, अशियाए कायनात की जिंदगी और नशो वनुमा का सहारा उसका इख्तियार इरादा और उसकी अथॉरिटी इसलिए है कि वो अशाए कायनात की जिंदगी और नश्व नमा का सहारा बनता है जब खुदा मालिक होगा तो इंसानों जैसा इकतदार या इस्तबदाद या जबर का पहलू इसमें नहीं होगा बल्कि वो अशाए कायनात की नश्वनम का सहारा बनना होगा नंबर छः वो जरिया जिससे दो चीज़ों में जोड़ पैदा होता है यानी बाइंडिंग फोर्स जैसे अजाय कायनात एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि वो एक वहद बन गए हैं और यही वो बाह इम्तजाज है जिससे निज़ाम कायनात इस हुसनों खूबी से सरगर्मे अमल है कायनात के जर्रात में बाही कशिश जज्ब खुदा की सफ्त मालिक से पैदा होती है इसी सिफ्त से खुदा नशोनुमा का जरिया बनता है इसी सिफ्त से वो अशिया कायनात को इफ्तकई मनाजिल तय करा के तकमील तक पहुंचाता है जोड़ने के अतबार से अरब गारे को मलाक कहते थे आजकल इसके लिए सीमेंट आ गया है कुरान ने कहा लाहू मलकुस् समे वाला अर्ज अल बकरा आयत नंबर 107। सारी कायनात में एक तदारो अथार्टी उसी की है लेकिन इस मफहूम में दीगर बुनियादी मफहमात भी मुजमर होंगे उसका इकतदार अशिया कायनात की जिंदगी और नशो नमा का सहारा है उसका इकतदार अजाय कायनात को एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़े हुए है कि वो एक वहदत बन गई है और उनका यही बाहमी इम्तजाज और वहदत है जिसकी वजह से निजाम कायनात इस हुसनों खूबी से सरगर्म आमल है यानी कायनात के जर्रात में बाहमी कशिश और जज्ब खुदा की इसी सफ की रूह से पैदा होती है और इसी से वो नश्व नुमा का जरिया बनता है इसी से वो अपनी मखलूक को इतकई मनाजिल तय करा के तकमील तक पहुंचाता है जहां जहाँ खुदा की सफत मालकियत का जिक्र आएगा वहां यह देखना होगा कि इन मानी में से कौन सा मानी सियाबाक के अतबार से ज्यादा मौजू है यौम का मफहम इसमें शक नहीं कि यौम का लफ्ज़ चौबीस घंटे वाले दिन के लिए भी आता है लेकिन इसका मफहम उससे कहीं वसी है यौम के मानी है दिन दौर पीरियड अहद या जमाना मरहला और मनाजल, स्टेज इन सब के लिए अरबी जुबान में लफ्ज़ यौम आता है कुरान ने चौबीस घंटे वाले दिन को भी यौम ही कहा है तो हजार हजार साल परमहित अरसे को और पचास पचास हजार साल पर महीत अरसा को भी योम ही कहा है जब मालिक योम दीन एक ओवर तीन के अल्फाज हमारे सामने आएंगे तो उसका मफहूम यह नहीं होगा कि अदीन का कोई चौबीस घंटे का दिन है और वो उसका मालिक है इसके माने होंगे कि वो दौर जिसमें अदीन का निफाज होगा अगर इस दौर को हुकूमतबंदी कह लिया जाए तो मानी समझ में आ जाते हैं योम का मफहूम आ जाने के बाद आगे लफज है अधिन अद्दीन।, अद्दीन का कुरानी मफहम लफज अद्दीन पूरे के पूरे इस्लाम की कुरान की तालीम का नुकता मासिका फोसल्प है खालिस अद्दीन वही है जो खुदा का दिया हुआ है और जिसके ताबे ये निज़ाम का इनाज चल रहा है नीज इसी अधीन के ताबे इंसानी जिंदगी का निज़ाम चलना चाहिए अद्दीन का मादा बड़ा ही वसीउल मानी है अरबी जबान में एक ही मादा के अंदर मतदाद मानी भी होते हैं अदीन के मानी हैं गलबा इफ्तार हुकूमत ममलिकत आइन कानून नजमस् फैसला ठोस नतीजा जजा और सजा मकाफात अमल वगैरह एक तरफ तो ये मानी है और दूसरी तरफ उसके मानी है किताब फरमा पजीरी महकूमियत अधीन लफ्ज की नस्बत नंबर एक जब खुदा की तरफ की जाए तो मानी है गलबा इकतदार हुकूमत मामले का आयनो कानून यानी खुदा का जब्ता ठोस नतीजा जजाओ सजा और मकाफात अमल कहा अफागैरा दीन याबन सूरह आले इमरान आयत नंबर बयासी क्या ये लोग खुदा के दीन के सिवा कोई और दीन इख्तियार करना चाहते हैं यहाँ दीन का लफ्ज खुदा के जबता से मुतल्लिक है दूसरे मुकाम पे है वाला बेहमा सुराय आयत नंबर दो खुदा के कानून के नफाज के मामले में इनसे कोई नरमी मत बरतो यहाँ दीन का लफ्ज कानून के मानी में इस्तेमाल हुआ है नंबर दो जब इंसानों की तरफ की जाए तो मानी होंगे खुदा के कवानीनों आइनों नजमो नज की फरमा पजीरी खुदा की अतो महकूमियत नज़ाम खुदाबंदी की महकूमियत या फरमा पजीरी मसलन, लिया खुजा आखाफी मलिक्रूसफ आयत नंबर छिहत्तर वो शाह मिस्र के कानून के मुताबिक अपने भाई को अपने पास रखने का मज़ाज़ न था दूसरे मकाम पे है वला ताखुज बेहमा सुरा दो। खुदा के कानून के नफाज केीन अल्लाह के मामले में तुम नरमी न बरतो यहाँ दीन के मानी बिल्कुल वाजे हो गए एक और मकाम मुलाहजा फरमाए बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के यहाँ नविता में जिस दिन से उसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया है बारह महीने हैं जिसमें चार हुरमत वाले हैं सूरह अतौबा आयत नंबर छत्तीस उसके बाद अल्फाज हैं जाले सूरह अतौबा आयत नंबर छत्तीस कहकर दोनों निज़ामों यानी खारजी कायनात का निज़ाम और इंसानों की जिंदगी के अंदर जो तमदनी मुआशी माशरती और

और खौफन अमनो इतमान से बदल जाए नजर आ गया कि दीन का क्याम और, निफाज और उसकी बका नीज खुदाबंदी अपनी ही आजाद और इस्लामी के अंदर हो सकती है नंबर तीन जब इंसान और खुदा दोनों की तरफ जामे तौर तो पर हूं तो मानी होंगे कवानी खुदाबंदी की अता जिसका नतीजा खुदा के मुतय करता कवानीन के मुताबिक जहूर में आता है क्योंकि दीन के मानी सज़ाओ जज़ाओ मकाफात अमल भी हैं कहा وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله सूरह 82 आयत نمبر 17 تا 19 तुम्हें खुदा के सिवा और कौन बता सकता है कि यौमउद्दीन क्या है आगे है समझते हो तो बताओ फिर उनसे कहो कि, कि खुदा के सिवा तुम्हें कौन बता सकता है कि योमुद्दीन क्या होता है आगे है लोहाम बताते हैं सुनो ये वो दौर होगा जिसमें कोई किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकेगा ना ही किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान पर किसी किस्म का इख्तियारदार हो, होगा तमाम मामला का फैसला कवानी खुदाबंदी के मुताबिक होगा इन आयात में दोनों नस्बतें आ जाती हैं और दोनों मानी भी आ जाते हैं नंबर चार जब अशियाए कायनात की तरफ हो तो मानी होंगे तुआनो का रहन अल्लाह के कवानीन के सामने सर तस्लीम खम करना कहा अफगैरा दीन अल्लाह ही यबगूना सूरह आले इमरान आयत नंबर बयासी क्या ये लोग खुदा के दीन के सिवा कोई और दीन इख्तियार करना चाहते हैं इसके बाद आयत है वालाहू असलमा मनफिल समावात वाला, समा वाला अर्ज़े तुआम व कारहन व अलह ऊन सराह आल इमरान आयत ब्यासी जो कुछ कायनात में है वह तुआन करहन उसके कवानीन के सामने सर तस्लीम खम किए हुए हैं यह है वो अदीन जो पूरी कायनात को मुहित है यहाँ अशियाए कायनात के लिए दीन का मफहूम वाज हो गया अगली आयत है व नहनो लहू मुसलिम सुरह आल इमरान आयत तिरासी एजमायत मम तुम भी कह दो हम भी उसी के सामने सरे तस्लीमें खम करते हैं उससे अगली आयत है मन जो शख्स भी अस्लाम के स्वा कोई और दीन इख्तियार करेगा तो वह खुदा के हम काबिलबूल नहीं होगा कायनत की हर शय इस अल इस्लाम पर गामजन है जो उनके अंदर अवदियत कर दिया गया है इंसान को अपने इख्तियार से इसी अलसलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहिए जो बज्रिया नबी मिला है इस सूरा में मालिक योम तीन शरा फातहा आय तीन पहले आया है और इया का नाबुदो, सूरा फातिहा आयत चार बाद में आया है मालिक योम तीन वही है होगा जिसमें इंसानी मामला को कवानी खुदाबंदी के मुताबिक तय किया जाएगा चूरा बयासी आयत नंबर सत्रह था उन्नीस गोया माले के योम तीन पहले होगा उसके बाद इया का हो सकेगा और यूं हम वा का नस्ताइन खुदा की मदद के मुस्तक हो सकेंगे दीन की खसूसियात नंबर एक दीन में फिर बंदी नहीं होती वाला तफरकु को दीन में फिर मत बनाओ सूरा आल इमरान आयत एक सौ तो दो नंबर दो दीन के क्याम के लिए इकतदार का होना जरूरी है मगलूब रहकर दीन अल इस्लाम कायम नहीं किया जा सकता और ना ही ज़क़ात अमर मारूफ और न ही अनिल काजा अदा किया जा सकता है सूरा नंबर बाईस आयत नंबर इकतालीस नंबर तीन दीन का माखज सिर्फ कुरान हक़ीम है नंबर चार दीन अस््लाम में अल्ला और रसूल की आता अलग अलग तो अताातें नहीं हैं बल्कि ये निज़ाम खुदाबंदी के अतात के जरिए एक ही खुदा की अतात होती है नंबर पाँच दीन में रसूल की आतात बहसीयत मनसब रसालतो सरबराह ममलकत के की जाती है रसूल की जती आता नहीं होती नंबर छः अम्बिया कराम के बाद यह आतात खुलाफा की तरफ बहसीत सरबराह के मुंतकिल हो गई थी और आइंदा जब भी इस्लामी कायम होगी तो यह अत सरबरा निज़ाम खुदाबंदी की तरफ मुंतकिल हो जाएगी नंबर सात दीन अल्लाह आबाल के में नतज इसी हैं और खुदा के मामिन से किए गए वादे अल्लाह का दीन उसी दुनिया में पूरे करता है नंबर आठ दीन एक जिंदा अथार्टी की सरबराही के बगैर कायम नहीं हो सकता नंबर नौ दीन के आकाम की खिलाफ वर्जी जुर्म भी होती है और वही खिलाफ वर्जी गुनाह भी होती है नंबर दस अम्बिया कराम से गलती और लफ्जिश का इम्कान होता था इसलिए अम्बिया की जतीियी अदात का कोई हुक्म नहीं दिया गया मसलन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के हाथ में दुआ करना सूरा नंबर ग्यारह हुद आयत नंबर चालीस इसी तरह हजरत यूनुस का कबल अज वक्त कौम को छोड़ देना शरा अफात आयत नंबर एक सौ चालीस हजरत दाऊद्लम और हजरत सलेबान के फैसले में एक का फैसला सही और दूसरे का गलत होना हजरत मसाला का कब्ती का कत्ल करना वगैरह वगैरह वैसे भी अल्लाह की अतात और इंसान के अतात में फ़र्क होना चाहिए लिहाजा अल्लाह की अतात मकसूद पसात या बिल असलो मुतल होती है जबकि रसूल की आतात मुतलिक नहीं होती बल्कि अल्लाह की आतात का एक जरिया होती है शुरान नंबर चार आयत चौसठ नंबर चार आयत नंबर अस्सी आयत नंबर चार इया का नाबुदो वस्तय अल्ला हम तेरी सिफ हमदीत रबूबियत रहमानियत रहीमियत और मालिकियत पर मबनी निज़ाम इसलिए चाहते हैं ताकि तेरे निज़ाम के अंदर रहते हुए सिर्फ तेरे ही कवानीन के आता इख्तियार करें और ताकि तेरे कवानीन पर अमल करने से हमारे जिस्मों जात की सलाहियतें भरपूर एतदाल के साथ तवाना होकर तकमील को पहुंच पहुंचाए ईजा का नाबुदों का मफहम यह अल्फाज मालिक योमुद्दीन फार्थ सराय फातहा की आयत नंबर तीन के बाद आए हैं इसलिए इसका मतलब होगा कि पहले मालिक योमुद्दीन काम होगा तब जाकर ईजा का नाबुदो हो सकेगा ईजाक के मानी हैं तेरी और सिर्फ तेरी आप देख लीजिए कि इयाक का नाबदू किस मकाम पे आया है सिर्फ हमदियत रबूबियत रहमानियत रहीमियत और मालिकियत के बाद इंसान के दिल में एहसास उठता है कि खुदा के कवानीन के आदात करने में सरासर अपना ही फायदा है ईजा का नाबदो के मानी हम तेरी ही प्रस्तश करते हैं नहीं है क्योंकि खुदा एक प्रस्तश करने की शय नहीं है का नाबुदो के मानी होंगे हम सिर्फ तेरे निज़ाम के ताबे जिंदगी बसर करना चाहते हैं यानी इस निज़ाम के ताबे जिसकी सिफात का जिक्र ऊपर की तीन आयात। सुरह फातिहा एक तातीन में आ चुका है अबादत का मादा एन बेदाल है इसी मादा से लफज अब आता है अबद के मानी है गुलाम महकूम और अत गुजार अबाद के माता एन बेदाल से नाबुदो याबदो के अल्फाज बने हैं और मानी महकूमियत या अताद इख्तियार करने के हैं अब का लफ्ज़ जब नंबर एक इंसान की नस्बत से बोला जाएगा तो मानी होंगे वो गुलाम और महकूम जिसको जोरों जबरदस्ती से गुलाम महकूम बनाया गया हो देखिए वा होमा लना होना सुरा अल अलमोमन आयत नंबर सैतालीस और ये मूसाओ हारून अलात वाम

ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم سوره يوسف ایت نمبر 40 اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی دین ہے سوره الکاحف میں ہے ولا يُشْرِكُ في حكمه احدا خدا اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور دوسری جگہ ہے ولا يشرك بعبادته ربه احدا खुदा अपनी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता एक ही सूरा में एक जगह है हुक्म अठारह छब्बीस और दूसरी जगह है इबादत अठारह एक सौ दस लिहाजा इबादत के मानी ही हुक्म है अहकाम है हुकूमत है नाबुद का मफहूम नाबुद के लफ्ज में सारा निज़ाम इस्लाम आ जाता है अरबी जुबान में नाब के मानी है वैशी जानवर में मौजूद सालाहियतों को इस तरह सुधारना वैशी जानवर में मौजूद सलाहियतों को इस तरह सुधारना कि वह अपनी सलाहियतों को कायदे और जबे के मुताबिक सर्व करे इंसान को भी बहुत सी सलाहियतें औरतें खुदा ने अता की हैं जिनको अगर कवानी खुदाबंदी के हदूद में रख कर ऐसा सिधाया जाए कि इंसान कायदे और ज़ाबते के मुताबिक इन्हें सर्व करे तो उसको अब्दियत कहा जाएगा अगर इया का रा फातेहा आयत चार को याब तूननी तू अनूर की आयत पचपन से मिलाकर पढ़ा जाए तो मानी होंगे तुम मेरी ही इबादत करो हर मुसलमान नमाज में इकरार करता है ईजा का नाब हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं नजूल कुरान से कबल हर जगह इबादत का मफूम प्रस्तश ही था आज भी अगर मजहब की रसूमा की अदायगी के लिए लफ्ज आएगा तो उसका मफहूम प्रस्तश ही होगा लेकिन जब यह लफ्ज़ खुदा के लिए आएगा या ममन के लिए इस्तेमाल होगा तो उसका मफहूम होगा खुदा के कवानीन अहकाम की आतात फरमा पजीरी इख्तियार करना दीन और मजहब में बुनियादी फर्क इबादत और प्रस्तश के मफहूम का है जिसे मजहब प्रस्तश कहता है दीन इसे इबादत कहता है आतात कहता है मजहब में इंसान जो कुछ करता है उससे अपनी कोई गर्ज नहीं होती बस गर्ज यह होती है कि खुदा को किसी तरह राजी कर लिया जाए राजी होना और नाराज होना तो इंसानी खसूसिया है और खुदा इंसानों की तमाम खूब से पाक है इसके बरक्स दीन में इंसान खुदा के कवानीनों आकाम की अत करता है तो इसमें इंसान की अपनी गर्ज होती है और गर्ज यह है कि कवानी खुदाबंदी के अत से मेरी जात की सलाहियतें नशो नुमा पा जाए खुदा की हर हिदायत इंसान के अपनी मुनाफत के लिए है कहा 104 की तरफ से रोशनी आ गई है जिसने रास्ते रोशन कर दिए हैं। अब इस रोशनी में जो अपनी आंखें खोलकर चलेगा तो उसका फायदा इसी को होगा और जो आंखें बंद करके चलेगा वो नुकसान उठाएगा खुदा का ना तो नफा है और ना नुकसान एक और आयत अल-अनकबूत। आयत नंबर छ जो भी हमारी हदायत के मुताबिक अपनी ज़ात को संवारने के लिए जद वजहद करता है वह अपनी ज़ात के लिए करता है खुदा तो तमाम कायनतों से मुस्तगनी वाक़ हुआ है नस्ताइन के मफहूम की वजाहत इस लफ्स का मादा एन वाव नून है। अरबी जबान में आवान उस जानवर या इंसान को कहते हैं जो भरपूर शबाब के आलम में हो उसकी तोानाइयाँ नश्व नुमा पा चुकी हों इस शर्त के साथ के इन पूरा पूरा अतदाल भी हो लिहाजा इस तान के मानी होंगे अपनी ज़ात के लिए पूरी पूरी नश्वनुमा और अतदाल की आरचू करना और इस मकसद के लिए किसी की मदद तलब करना इस नहज से अल्लाह ताला त अलमुस्तान सूरह नंबर इक्कीस आयत नंबर एक सौ बारह कहा जाता है इस्तान के इस मफहम के बाद जब हम ईजा का नस्तिन कहते हैं तो उसके मानी ये होंगे कि ए खुदा हम तो इससे ये चाहते हैं तो इसमें खुदा से चाहना तलब करना अपनी आरजू के पूरा करने के लिए उससे कहना यह तमाम चीजें नस्तिन के अंदर आ जाएंगी इससे आपके जहन में फौरन दुआ का तस्वर आएगा कि हम खुदा से दुआ करते हैं कि हम ऐसे हो जाए दुआ के मुरवजा मफहूम पर उभरने वाले शकूको एतराजात और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल जब दुआ का मफहूम ये लिया जाए कि हम खुदा से कुछ मांगते हैं कि वो हमारी तलब पूरी कर दे तो उसके खिलाफ कुछ शकुक व पैदा होते हैं मसलन नंबर एक अमूमी अकीदा यह है इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है उसे खुदा ने पहले से लिख दिया होता है और ये कि किस्मत का लिखा अटल होता है तब्दील नहीं हो सकता तो फिर दुआ करने की कुछ मानी नहीं रहते एक शख्स के मुतलक अगर पहले से ये तय है कि उसने इतने दिन बीमार रहकर मर जाना है तो अपने लिए वो खुद दुआ करे या दवा कराए या उसके मुतलकिन दुआ करें या दवाएं कराएं किस्मत के लिखे में कोई तब्दीली नहीं हो सकती क्योंकि किस्मत के लिखे के भी तो यह अकीदा है कि वो खुदाही का तय करता फैसला होता है खुदाही तकदीर मुक्र की है अगर किस्मत यही है कि फला इतने दिन रह कर मर जाएगा, तो फिर दवा और दुआ करने से क्या हासिल नंबर दो तो, अगर यह कहा जाए कि दुआ तकदीर को बदल देती है तो फिर ऊपर एक का अकीदा तकदीर गलत करार पा जाएगा किस्मत का लिखा अटल होता है जो फैसला या लिखा हुआ बदल सकता है ख्वा दवा से दुआ से या तदबीर से वो अटल नहीं कहला सकता उसके साथ ही इस अकीदे की रूह से ताला के तक भी अजीब सा तस्वर सामने आता है कि पहले उसने एक बात का फैसला कर दिया लिख दिया उसके बाद वो इस इंतजार में है कि अगर उस शख्स ने या उसके मुतलिन ने हमसे दरख्वास्त की तो हम अपना फैसला बदल देंगे और अगर ये खामोश रहे तो वो फैसला नाफिज हो जाएगा देखा आपने के खुदा के बारे में किस किस्म के अशकाल पैदा होते हैं अगर कहा जाए कि पहले से हर बात तयशुदा नहीं होती बल्कि अल्लाह ताला हर मामले का फैसला साथ के साथ करता है तो उससे और भी ज्यादा पेचीदगियां पैदा होती हैं मसलन जैद और बकर का बाहमी मुकदमा है जिसका फैसला अदालत ने करना है जैद हक पर है सच्चा है लेकिन बकर झूठा है अब अगर दोनों खुदा से दुआ करते हैं कि फैसला उसके हक में हो जाए तो जाहिर है इन दोनों की दुआएं कबूल नहीं हो सकती क्योंकि अदालत का फैसला लाम किसी एक ही के हक में हो सकता है अब सवाल पैदा होता है कि इन दोनों में से किसकी दुआ कबूल होगी अगर कहा जाए कि उसकी दुआ कबूल होगी जो ज्यादा गड़गड़ा कर दुआ मांगेगा अब अगर बकर जो झूठा है ज्यादा खुशब वजूस से दुआ मांगे तो क्या खुदा झूठे बकर की दुआ कबूल कर लेगा अगर कहा जाए कि नहीं खुदा उसकी दुआ कबूल करेगा जो हक पर है यानी सच्चे जैद की तो उससे सवाल पैदा होता है कि अगर सच्चा जैद दुआ न मांगता तो क्या खुदा झूठे बकर का साथ देता क्योंकि उसने दुआ मांगी थी और सच्चे जैद ने दुआ नहीं मांगी थी इसलिए खुदा ने सच्चे जैद का साथ न दिया आप देख रहे हैं कि किस किस्म के एतजराज उभर कर सामने आ रहे हैं नंबर तीन अगर कहा जाए कि खुदा बहरहाल हक का साथ देगा तो अव्वल तो यह बात वाक्य के खिलाफ है हमारे यहाँ अदालतों से आए दिन फैसले सादर होते रहते हैं जो हक के खिलाफ होते हैं हती के कई बेगुनाह फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए जाते हैं लेकिन अगर यह तस्लीम भी कर लिया जाए कि खुदा हक का साथ देता है तो इस सूरत में दुआ का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता हकदार दुआ करे या ना करे खुदा बहरहाल उसका साथ देगा जो हक पर नहीं है वो लाख दुआएं करे या करवाए खुदा उसकी नहीं सुनेगा नंबर चार अगर कहा जाए कि खाली दुआ नहीं बल्कि दुआ के साथ तदबीर भी जरूरी है और दुआ से तदबीर कामयाब हो जाती है तो इससे फिर और दुश्वारी लाहक होती है मसलन सच्चा जैद और झूठा बकर दोनों तदबीर करते हैं झूठा बकर उसके साथ दुआ भी करता है और सच्चा जैद दुआ नहीं करता तो क्या इस सूरत में झूठे बकर की तदबीर कारगर हो जाएगी क्योंकि उसने दुआ भी की थी और जैद का नाम रह जाएगा क्योंकि उसने दुआ नहीं की थी यह है वो अशकाल जो हमारे हां के मरवजा अकायद की से दुआ के सिलसिले में जहनों में उभरते हैं तलखीसो अखज़ कुनिंदा की तरफ से दुआ की हकीकत मेरी एक जरूरत आन पड़ी है जो पांच हजार में पूरी होती है और मेरे पास कुछ नहीं फर्ज करें मेरे बाप को मेरी जरूरत का इल्म है लेकिन वो आज खुद नहीं देता मैं मानता हूं तो हिलो हजत से काम लेता है मैं हाथ जोड़ता हूँ या पाँव पकड़ता हूँ रोता हूँ गिड़गड़ाता हूँ तो दिल पर है और तीन हजार दे देता है मजीद दो हजार देने के लिए वो इंतजार करता है कि मैं मजीद गड़गड़ाऊं पाँव में सचदारेज हो जाऊं मेरी तो जरूरत रुकी हुई थी मैं ये भी कर लेता हूं तो मेरा बाप मजीद दो हजार भी दे देता है और मेरी जरूरत पूरी हो जाती है मुझ समेत जो भी ये कुछ सुनेगा वो यही कहेगा कि उसका बाप बड़ा ही अजीयत पसंद है सैडिस्टिक नेचर का हामिल है अगर खुदा हमारी जरूरियात से वाकिफ़ है और यकीन वाकिफ़ है तो वो क्यों हमारे गिड़गड़ाने का रो रो कर दुआएं मांगने का इंतज़ार करेगा क्या मुआज़ल्ला? खुदा को हम अजीय पसंद समझे? बिल्कुल नहीं इंसान को सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों की जरूरत थी जिनको बगैर मांगे खुदा ने अदा कर दिया है इनमें एक चीज़ तो कायनात यानी रा मेटीरियल है और दूसरी चीज़ है अकल शूर मगरब इन दो चीज़ों के सहारे खुशगवार और आसुदा मादी जिंदगी बसर कर रहा है इंसान के अंदर खुदा की अदा करदा ज़ात भी है इसकी नश्व नुमा के लिए खुदा बग़ैर मांगे वही की रहनमाई अदा करता रहा है और अब आखिरी वही कुरने करीम में महफूज है जो अपनी ज़ात की नशोनुमा करना चाहता है वो वही की रोशनी में जिंदगी बसर करके अपनी ज़ात की नश्वनुमा कर ले और जो नहीं चाहता वो अपनी ज़ात को गैर नश्व नुमा याफ्ता रहने दे इस मामला में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कायनात, अकलोशर और वही की रहनमाई इंसान को खुदा ने बगैर मांगे दी है इन तीन चीज़ों के अलावा और चौथी चीज़ कोई नहीं है जो इंसान को जरूरत हो लिहाजा साबित हुआ कि खुदा अजियत पसंद नहीं है वो बगैर दुआ के देता है किसी के गिड़गिड़ाने का इंतजार नहीं करता बस शर्त यह है कि इंसान अपने अमल को कवानी खुदाबंदी से हम आहंग रखे सूरह बकरा की आयत एक सौ छियासी का मुरवजा तर्जमा उलझनों और अशकाल की वजह है आयत है साला का अन्नी करी दावत दाए इजाद आने बकरा आयत नंबर एक सौ छियासी का आम तर्जमा यह किया जाता है कि ए रसूल जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मतलब पूछें तो उनसे कह दो कि मैं उनके करीब हूं जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता और उसे कबूल करता हूं इस तर्जमे से दुशारी ये पेश आई कि हम रोज देखते हैं कि मजलूम मकहूर अगरीबो नादार बेकसो बेबस और मुसीबत सदा लोग दिन रात गिड़ गिड़ा कर खुदा से दुआएं मांगते हैं लेकिन उनकी मुसीबत रफ़ा नहीं होती उनकी सारी उम्र ताम सहते मुसीबतों में कट जाती है उनकी मुसीबत रफा नहीं होती उनकी सारी उम्र ताम सहते मुसीबतों में कट जाती है अकीदा यह है कि अगर किसी की दुआ कबूल नहीं होती तो उसे समझ लेना चाहिए कि जो कुछ उसके साथ हुआ है खुदा की तरफ से उसके हक में वही बेहतर था लेकिन इससे रसीदा मुसीबत ज़दा बरसरे हक मजलूम इंसान का हकीकी इतमान नहीं हो सकता एक मजलूम इंसान झालम की दस्तराजियों के खिलाफ खुदा से दुआ करता है और उसके बाद देखता है कि उसकी हालत जरा भी बेहतर नहीं हुई बल्कि उस जालम के म में और भी इजाफा होता चला जा रहा है तो मजकूरा बाला अकीदा की वजह से उसे समझ लेना चाहिए कि जालम का जुल्म उसके हक़ हाँ में बेहतर और खुदा की मंशा के आ मुताबिक है इसलिए मजलूम को ना तो जालम के मुजालम के खिलाफ लबकुशाई करना चाहिए और ना ही उससे बचने की कोई तदबीर सोचना चाहिए गौर कीजिए इस किस्म के अक़ायदालमु को किस तरह बदल छोड़ देने का मौजिब बन जाते हैं इससे पहले इन जालमों के खिलाफ मजलूमों के दिल में कम से कम इंतकाम के जज्बात तो उभरते थे और हो सकता था कि वो उनके दस्ते सितम से महफूज रहने की कोई तदबीर सोच लेते लेकिन इस अकीदा के बाद तो सूरत यह हो गई कि मजलूम न सिर्फ जुलम सियापति को दिल के पूरे सुकून के साथ बर्दाश्त करेगा बल्कि जालम के हक में दुआ खैर भी करेगा कि वो उसके लिए बेहतरी के सामान पैदा कर रहा है आपने देखा कि मज़बी पेशवाइत मत क़वतों के साथ मिलकर महकूमों और मजलूमों के लिए किस किस किस्म के अक़ायद वज़ा करती रहती हैं ताकि वो इन्हें ब्बा भी करें और ये उनके शुक्रगुज़ार भी हों माशरे के मजलूमों की दादरसी के लिए निज़ाम की अहमियत और उसकी अफादियत क़ुरान कहता है कि मजलूमों की दुआएँ सुनी भी जाती हैं कबूल भी की जाती हैं उनकी मदद भी की जाती है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि खुदा की जमात हिजबुल्ला मैदान में मौजूद हो क्योंकि खुदा इंसानी दुनिया में ब्राह रास्त नहीं बल्कि अपने काम हिजबुल्लाह के जरिए ही कराता है मक्का में कुछ मुसलमान मैसूर होकर रह गए थे इन पर कुरैश मजालम ढा रहे थे उन्होंने खुदा से दुआ की खुदा चाहता तो अपनी कुदरत से उन्हें बरह रास्त वहां से निकाल कर मदीना पहुंचा देता लेकिन ऐसा नहीं किया गया मदीना में हिजबुल्ला से कहा गया

क्या तुम सुनते नहीं हो कि मक्का के मजलूमों मकबूरों मर्द औरतें बच्चे किस तरह गिड़गड़ा गिड़गड़ा कर हमसे ये फरियाद कर रहे हैं कि बारेला हमें इस बस्ती से निकाल ले जिसके रहने वालों ने इस कदर जुल्मों इस तदाद पर कमर बांध रखी है यानी अमलकत इस्लामी के अलंबरदारों क्या तुम तो उनकी इन दुआओं को सुन नहीं रहे हो कि वलीयम का नंबर पचहत्तर वो हमसे फरियाद करते हैं कि हमारे लिए अपनी जनाब से कोई महाफ़ज़ निगरान कोई सरपरस्त और मददगार भेज दे खुदा के लिए इन्हें दुश्मनों से निजात दिलाना कोई मुश्किल ना था लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया खुदा ने अपने नाम पर बनने वाली ममलिकत से कहा के उठो और उनकी पुकार का जवाब दो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ो यह है मजलूमों की दुआ कबूल होने का सही तरीका लेकिन इसके लिए कुर्र अर्ज पर कहीं निजामे खुदाबंदी का कायम होना जरूरी है खुदा रास्त मदद नहीं किया करता यही जो मुसलमान हिजरत के बाद मदीना आ गए थे तेरह बरस तक कुरैश के मजालम का तख्ता मशक बने रहे थे तो क्या उन्होंने उस जमाने में खुदा से कुछ कम दुआएं मांगी होंगी लेकिन चूंकि इस वक्त दुनिया में निज़ाम खुदाबंदी कहीं मौजूद नहीं था जो मजलूमों की मदद कर सके इसलिए उनकी मदद का कोई सामान न हो सका उनसे कहा जाता रहा हिम्मत हो इस तकलाल से काम लेकर अपने प्रोग्राम पर जमे रहो एक दिन तुम्हारी हुकूमत कायम हो जाएगी तो तमाम मुश्किल का हल खुद खुद मिल जाएगा इस तरह न सिर्फ तुम्हारी मुश्किल हल होंगी बल्कि तुम इन मजलूमों की इमदाद के काबिल भी हो जाओगे जो हमसे नुसरत आनत की दुआएं मांगेंगे इस हकीकत को कुरान करीम ने एक दूसरी जगह बड़े ही बलीग अंदाज़ से बयान किया है बासठ कहो कि वो कौन है जो कल पे मुजदिर की दुआएं सुनता है और उनकी मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर देता है इसके लिए खुदा करता यह है कि वह यज अलगर्जल आयत नंबर बासठ वो तुम्हें और अता कर देता है ये भी याद रहे कि इस किस्म की हुकूमत दुआ मांगने से नहीं मिला करती खुदा ने तो खुद कहा है कि ये ईमान आमाल साल का नतीजा होती है

सामान्य जिस्त खुदा ने उन्हें दे रखा हुआ है उसे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत के लिए खुला रखते हैं आपने गौर किया कि यहाँ वाह अमर वाहम से अशारा निज़ाम ममलकत की तरफ है जिसे दुनिया से जुल्म और ना दूर करने के लिए मुशक्ल किया जाता है इंसान माशरती खराबियों और निज़ाम की तबाह से परेशान होकर ही खुदा से दुआ करता है आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि मजलूमों और बेकसों को खुदा से दुआ मांगने की जरूरत कहाँ और कब पेश आती है इसकी जरूरत गलत माशरे में पेश आती है जहां कोई बात कायदे और कानून के मुताबिक ना होती हो जहां हर जगह धांधली हो रही हो जहां मजलूम की मदद करने वाला जालिम का हाथ रोकने वाला कोई ना हो तो शरीफ इंसानों पर अर्सा हयात तंग हो जाता है और हालत यह पहुंच जाती है क्या अब बनेगा माशरा और माशरे का निजाम कवानी ने खुदाबंदी की पासदारी करते हुए हर बात का फैसला कायदे और कानून के मुताबिक कर रहा हो तो फिर हर हकदार को बगैर किसी परेशानी के उसका हक मिलता है न किसी पर जुल्म होता है और ना धांधली निजामी खुदाबंदी में हर शख्स की जरूरियात को निज़ाम पूरा कर रहा होता है इसलिए ऐसे निजाम में ना तो कोई मोहताज होता है और ना बेनवा ना कोई तन्हा होता है और ना बेजहारा ऐसे मुआशरे में किसी को खुदा से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती जिस मुआशरे में कदम कदम पर आप अपने आप को मोहताज और लाचार पाते हैं तो खुदा से ही अल्तजाएँ करते हैं हजरत उमर फारूक तआला अनहु ने फरमाया था कि लोगों तुम्हें पता है मुझे खलीफा क्यों बनाया गया है फिर खुद ही बताया मुझे खिलाफत का फरीजा इसलिए सौंपा गया है कि मैं तुम्हारी दुआओं को खुदा तक पहुँचने से रोक दूँ अल्लाह अकबर कितनी बुलंद हकीकतें इस जुमले में छुपी हुई हैं जो इस कदरसादा अल्फाज में बयान की गई है उन्होंने कहा दरअसल क्या खिलाफत का मकसद यह है कि किसी जरूरतमंद की कोई जरूरत न रुकी रहे जब यह सूरत होगी तो किसी शख्स को अपनी जरूरियात के लिए खुदा से दुआ करने की हाजत ही नहीं रहेगी और अगर कोई शख्स अपनी किसी ज़रूरत के लिए खुदा से दुआ करता पाया गया तो उसका मतलब ये होगा कि मैं अपने फरीजे की सरंजाम दही में कासिर रहा हूँ और वो मेरे खिलाफ़ कोया खुदा से मेरी शिकायत कर रहा है इसलिए मुझे फ़ौरन एहतसाब कोश करना होगा और इस अमर की कोशिश करना होगी कि मेरी शिकायत बारगा खुदाबंदी तक न पहुंचने पाए उसका तरीका यह है कि मैं जरूरतमंद की जरूरत को उसके मांगने से पहले ही पूरी कर दूं लिहाजा तुम अपनी जरूरियात और अपनी एहतियाजात के लिए खुदा से बरह रास्त दुआ करने के बजाय उसे मुझ तक पहुंचाया करो इन्हें मैं पूरी कर दिया करूंगा तो तुम्हारी दुआ को खुदा तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी अगर यहां जरूरत पूरी ना हो और ऐसा वक्त आ जाए तो मैं इससे बेषतर इस, इस खिलाफत के मनसब से अलग हो जाऊंगा अगर निज़ाम जरूरतों को पूरी कर रहा है और शिकायतों को रफा कर रहा है उसके बावजूद खुदा से दुआ करना यानी खुदा से निज़ाम की शिकायत करना निज़ाम खुदाबंदी में जुर्म है क्योंकि दुआ करने वाले ने निज़ाम को बाईपास करने की गलती की है ये भी याद रहे कि कुरान करीम में जिस कदर दुआएं हैं वो इजतमाही हैं इनफरादी नहीं हैं और ये इज्तमाही दुआएं मांगी ही इस मकसद के लिए जाती हैं कि उनके हाथों से निज़ाम खुदाबंदी कायम हो जाए ताकि आलमगीर इंसानियत के आलाम का इलाज होता चला जाए यह है ईया का नाबदो व ईया का नस्तीन का मफहम अहरल्ला हम निज़ाम खुदाबंदी कायम करने के लिए तुझसे इस्तानत चाहते हैं ताकि सिर्फ तेरी ही आबादत कर सकें दुआ की कबूलियत के लिए मजहबी पेशवाइयत का खुदा के मकरब बंदों के वसीले की तलाश का अकीदा यह अकीदा आम किया गया कि खुदा हर एक की नहीं सुनता वो अपने मकबूल बंदू की दुआएं कबूल करता है इस अकीदे का नतीजा है कि आपको हर आस्ताना आली पर मुसीबत जदा और आफत रसीता लोगों का हजूम दिखाई देता है जो गिड़गड़ा कर हाथ बांधे और अक्सर उनके पाँव चूमते दरख्वास्त करते नजर आएंगे कि या हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए वरना में तबाह हो जाऊँगा बर्बाद हो जाऊंगा यह सिलसिला हजरत जी की जिंदगी तक ही महदूद नहीं रहता वफात के बाद अकीदत मजार शरीफ से वाबस्ता हो जाती है जहां सजदों में गिर गिर कर की जाती हैं और मुरादें मांगी जाती हैं कहते हैं कि हम गुनागार बंदे हैं खुदा तक हमारी रसाई नहीं ये हजरत मुकर्रबी ने बार गाहे खुदावंदी है इसलिए खुदाउन की बात मानता है यह अकीदा भी है और साथ ही ऊपर दर्ज सूर्य अल बकरा की आयत दो बटा एक सौ छियासी भी पड़ी जाती है मुकरबीन की वसासत से खुदा तक दरखास्त पहुँचाने का यह अकीदा दौरे मलुकियत की तख्लीक है इस दौर में जहनों में यह बैठाया गया कि यानी बादशाह जमीन पर खुदा का सया होता है नतीजे में जिस किस्म का साया ज़मीन पर देखा गया उसी किस्म का खुदा को आसमान पर तस्वर कर लिया गया जिस तरह बादशाह आमरे मुतलिक होता है किसी कायदे कानून का पाबंद नहीं जिसे चाहा तो आज़ाद कर दिया जिसे चाहा बांध लिया इसी तरह खुदा को भी एक आमरे मुतलिक समझा जाता है जो ना तो किसी कायदे कानून का पाबंद है और ना किसी जब्ते का बादशाह का दरबार सामने आया तो अहले दरबार में से मुसाहिद, उमरा, वजरा और फिर मकरबीन बारगाह सुल्तानिया सामने आए जिसके जरिए से बादशाह से कोई बात मंजूर कराई जाती थी मजहबी पेशवाइत ने यही नक्शा दरबारे खुदावंदी का भी मुतिन कर दिया यह है वो जरूरत जिसके पेश नजर खुदा तक दुआ पहुंचाने के लिए किसी जिंदा या मुर्जा हजरत जी के वसीले की तलाश होती है वो हमारी दरख्वास्त भी खुदा तक पहुंचा दे और साथ ही सिफारिश भी कर दे कहते हैं कि अल्लाह उनकी बात मान लेता है और दरख्वास्त मंजूर हो जाती है जिस तरह बादशाहों के हजू नजराने गुजारने पड़ते हैं इसी तरह दरख्वास्त के साथ मुकर्रबीन को नजरो न्याज भी देनी पड़ती है यह है खुदा के मुतलक वह तसवर जिसे मजहबी पेशवाइत ने लोगों के जहनों में मुर्तसम कर दिया है जिसने रफ्तार रफ्तार अकीदे की शक्ल इख्तियार कर ली जिन्हें मुकरबीन समझा जाता है उनके बारे में कुरान में है एबादम सूरा अल अराफ की आयत एक सौ चौरानवे वो तुम्हारे ही जैसे इंसान यानी खुदा के बंदे हैं मुजारों के बारे में कहा तुम इन्हें जो कुछ पुकार के कहते हो वो उससे कतन बेखबर होते हैं सरा अल अहकाफ आयत नंबर पांच एक और मुकाम पे कहा कि इन्हें तो खुद अपने मुत्ल भी इतना इल्म नहीं है अयानु युबासून अनो अन नाहल आयत नंबर इक्कीस के वो कब उठाए जाएंगे जो अपने हाल से बेखबर हैं वो दूसरों की क्या सुनेंगे दुआ के पेचीदा मसले का खुदा की तरफ से दर्ज की दोबारा में हाजिर कीजिए है, है कि जब मेरे बंदे मेरे पूछें तो उनसे कहो कि मैं उनके करीब हूँ हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ इसी आयत में इसके बाद है फल योम इनसे कहो कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मांग पूरी हो तो उसका तरीका यह है कि तुम मेरे कवानीन की सदाकत पर पूरा पूरा यकीन रखो और मेरी अतात करो और मेरी बातों का जवाब दो तो इस तरह कामयाबी का सही रास्ता तुम्हारे सामने आ जाएगा खुदा कहता है कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है क्या तुमने उसके मुताबिक अमल किया है इस बात की वजाहत में दूसरी जगह कहा जीबल अमन आमसाल आयत नंबर छब्बीस दुआएं उनकी कबूल होती हैं जो ईमान लाएं और आबाली साल करें यानी ईमानों आबाली साल को लाजमी और फितरी नतीजा कामयाबी होता है और कामयाबी ही दुआ से मकसूद होती है एक दूसरे मकाम पर है कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारे पुकार का जवाब दूंगा लेकिन ये बात याद रहे कि इन लजीना यस्ता अन ऐबादती सा जहन्ना मदाकिरी अलमोमिन आयत नंबर साठ जो लोग मेरी यादात से सरकशी अख्तियार करेंगे उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी वो जलीलो ख्वार होकर जहन्ना में दाखिल होंगे दुआ की कबूलियत के सिलसिला में कुरान का तफसीलीब चूरा आल इमरान में है

मरान आयत एक सौ इक्यानवे इन साहबान अकल बसीरत और अरबाब फिक्र नजर के लिए जो ज़िंदगी के हर गोशे में खड़े बैठे लेटे हारान कवानी ने खुदाबंदी को अपनी निगाहों के सामने रखते और कायनात के तखलीकी प्रोग्राम पर गौर वफिक्र करते रहते हैं वह पकार उठते हैं कि रबाना माँ खलता शूरा आल इमरान आयत नंबर एक सौ इकानवे ए हमारे रब तू ने इस कायनात को ना तो अबस और बेकार पैदा किया है और ना ही तकरीबी नतज मरतब करने के लिए सुबह न कहा तेरी उससे बहुत बुलंद है कि तू किसी शय को बेमकसद और बगैर गर्ज वायद के पैदा करे अजाबन नार तू हमें तौफीक अता फरमा कि हम इलमी तहक़ीक़त और अमली तजारब के बाद अशियाए कायनत से सही सही फायदा उठाएं और इस तरह हम तबाह अजाब से महफूज रहे अगली आयत है आले इम्रान आयत एक सौ बानवे जो कौमे इस किस्म की तहकीकत न करने से अशियाए कायनत की नफा बख्शियों से महरूम रहती हैं उनकी सया की खेतियाँ जुलस जाती हैं और वो जिलत खुआारी की जिंदगी बसर करती हैं

हमारे रब हमने एक पुकारने वाले को यह कहते सुना कि आओ अपने रब के कानून की सदाकत पर ईमान लाओ तो हमने उसकी दावत पर लबैक कहा और खुदा के कानून की सदाकत पर ईमान ले आए उसके बाद इन अरबाब इल्मो ईमान के सीने में आरजुएं बेदार होती हैं ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سوره ال عمران ايه نمبر 193 है हमारे रब हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके मुजर असरात से हमें महफूज रखना और हमारी छोटी छोटी कोताहियों और तदबीरी नाहमवारियों के मुजर असरात मटाते रहना और हमारा अंजाम उन लोगों की रफाकत में करना जिनके सामने जिंदगी की वसत और कुशादगी की राहें खुल चुकी हों इससे अगली आयत है ربنا ما وعدتنا على ولا يوم لا تخلف الميعاد. अपने रसूलों के जरिए जिन खुशगवारी और सरफराजियों का वादा किया है उनसे हमें पहरा याब करना और ऐसा न करना कि आमाल के जहूरे नतज के वक़्त हम दुनिया की निगाहों में जलीलो ख्वार हो जाए हमें इस बात का यकीन है कि तू वा खिलाफी नहीं किया करता आपके सामने दुआएं भी आ गईं, दुआएं मांगने वालों की खसूसियात भी आ गईं। अब खुदा की तरफ से जो आप मुलाहिजा फरमाएर इन औा सूरह आले इमरान आयत एक सौ पचानवे हमने तुम्हारी दुआओं को सुन लिया याद रखो हम किसी काम करने वाले की मेहनत को जाया नहीं करते वो मर्द हो या औरत हर एक को उसके अमल का पूरा पूरा बदला देते हैं ऊपर खुदा की तरफ से ममिन की दुआओं का जवाब और उनकी कबूलियत की शर्त आ गई अम्बिया की दुआओं की कबूलियत की नौीयत और गायत ऊपर आम ममिन की दुआओं की बात थी अब हजरात अम्बिया करम की दुआओं की कबूलियत की सूरत भी मलाहजा फरमाएं कि उनकी दुआओं की कबूलीत को खुदा किन बातों से मशरूत करा देता था

27. हमने नूह की तरफ वही भेजी और कहा कि तुम आने वाले तूफान से हिफाजत चाहते हो तो हमारी जेर नगरानी यानी हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ बेहतरीन जवाब देने वाले का जवाब था कि कश्ती बनाओ ये काम महज जबान से दुआ कर देने से नहीं हुआ बल्कि कश्ती बनाना पड़ी हजरत नूह के बाद हजरत अलैहिस्सलाम से कहा कद ऊती का या मूसा हा आयत नंबर मूसा जो कुछ तुमने मांगा तुझे अदा कर दिया गया जब दुआ कबूल हो गई तो क्या अब कुछ करने की जरूरत नहीं है कहा आयत बयालीस तुम दोनों भाई फिर की तरफ जाओ जो प्रोग्राम तुम्हें दिया गया है उसके ब्रूहे कार लाने में जरा सी भी सुस्ती न करना यानी दुआ कबूल करने के बाद कहा अब बैठना नहीं है फिर उनके दरबार में जाओ और हमारी तालीम को इस तकामत के साथ पेश करो एक दूसरे मुकाम पे है आयत नंबर खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली तो क्या अब बैठ जाना है कि दुआ कबूल हो गई है नहीं कहा फस्तकीमा अता करता प्रोग्राम पर जमकर खड़े हो जाओ तुम्हारे पाए इस्तकामत में जरा लग्जिश ना आने पाए और कभी उन लोगों का इतबा करना जो हकीकत का इल्म नहीं रखते नबी का खुदा से बराह रास तलक होता था इसलिए उनको खुदा की तरफ से कबूलियत का जवाब मिल जाया करता था और साथ ही वो तरीका भी बता दिया जाता था कि ये करो तो दुआ के मुताबिक नतीजा निकले ख़त्म नबूवत के बाद अब किसी नबी ने नहीं आना इसलिए खुदा ने कुरान करीम को तामत ता महफूज कर दिया है ताकि इंसान दुआ करे और दुआ का नतीजा मुराद के मुताबिक बरामद करने के लिए कुरान की तालीम पर अमल करे सिर्फ दुआ करके बैठ जाने से तो अम्बिया एक कराम की दुआओं का नतीजा भी नहीं निकला करता जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती उनकी अमली जिंदगी की हालत ऊपर तसरी से आपने देख लिया होगा दुआ की कबूलियत के साथ ही ताक़ीद ताकिदगर्दी के कामयाबी के लिए जिन तबई तबीयी असबाबराये की जरूरत है इन्हें पहम पहुंचाया जाए और अपने प्रोग्राम पर सिद्धो इस्तकामत से अमल पैरा हुआ जाए ये नहीं कि दुआ मांग कर हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाया जाए इस किस्म की दुआओं के बारे में कुरान करीम ने सूर्य रात में बड़े ही डराबाइय अंदाज में कहा तुम जरा उस प्यासे को तसवर में लाओ जो आपने दोनों हाथ फैलाए दरिया के किनारे खड़ा है क्या उस शख्स की प्यास बुझ जाएगी उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी जो आगे बढ़कर चुल्लु भरे और पीले प्यास उसकी बुझेगी पानी की तरफ हाथ फैलाकर खड़े रहने से क्या तक उसकी प्यास दूर नहीं हो सकती इस किस्म की दुआओं के बारे में कहा वमा दुआ इल्ला फी जलाल सूरह अर रात आयत नंबर 14 जो लोग खुदा के कानून की सदाकत से इनकार करते हैं उनकी दुआएं रायगा चली जाती हैं कानून यह है कि हाथ बढ़ाकर पानी पिया जाए जो प्यासा पानी की तरफ हाथ बढ़ाकर पानी नहीं पीता वो खुदा के कानून की सदाकत का इनकार करता है इनफरादी या इजमाही दुआओं का नतीजा दुआ दरअसल एक आरजू है दुनिया में कोई काम करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमारे दिल में आरजू उभरती है एक तकाजा पेदार होता है इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में अमल की बुनियाद आरजू है जिस कदर आरजू शदीद होगी उसी कदर हमारा इरादा मुस्तकम होगा और जिस कदर इरादा मुस्तकम होगा उसी नस्बत से हम इस मकसद के हसूल के लिए जद्दोजहद करेंगे जब इंसान की दिली तमन्ना हरूफ और अल्फाज में ढल जबान पर आती है तो दुआ कहा जाता है यानी जितनी गहरी तमन्ना उतनी ही मुखलस दुआ आरजू की बेदारी से इंसान के अंदर नफसयाती तब्दीली वाक़ होती है फिर जिस किस्म की वो आरजू उसी किस्म की नफसियाती तब्दीली नफसियाती तब्दीली से इंसान का जाविया निकाह बदल जाता है और जाहिर है कि जाविया नगाह की तब्दीली से खारजी दुनिया में तब्दीली वाक़ हो जाती है इसीलिए कहा जाता है कि हर शे की कीमत आरजू के बदलने में मुजम है जिस कदर इंसान की आरजू में इरतकाज़ पैदा होता है उसी कदर इसमें तो बढ़ती चली जाती हैं खुदा ने मोमन के लिए हदायत दी कि कहो मा तशाउना इक्यासी आयत नंबर उनतीस मोमन को चाहिए कि वह अपनी आरजू को खुदा की मशैत से हम आहंग रखे यानी जिस बात को खुदा ने बुरा करार दिया तुम भी उसे बुरा समझो जिसे अच्छा कहा है तुम भी उसे अच्छा समझो तुम वैसा बनने की कोशिश करो जैसा खुदा कुरान की तालीम के जरिए तुम्हें बनाना चाहता है कुरान करीम ने कहा इन लागैरो मे कौम्य से आयत नंबर ग्यारह खुदा ने आज तक किसी ऐसी कौम की हालत को नहीं बदला जिसने पहले अपनी नफ्सियात में वो तब्दीली पैदा ना की जैसी वो कौम अपनी हालत करना चाहती है दुआ से आरजू से तमन्ना से इंसान के अंदर एक दाखिल तब्दीली पैदा होती है आरजू से इरादा बनता है गोया आरजू इरादे का बीच है जिससे बात आगे चलती है इंसान या का नस्ताइन कहकर खुदा से मंजिल मकसूद तक पहुँचने की आरजू का इजहार करता है और उसके लिए उसकी आनत तलब करता है यह आरजू दुआ बन के लबों पर आ, आ जाती है कि यह हमारी ख्वाहिश है हमारी ज़ात मुनासिब नश्व नु हासिल करके एक मतवाजन शख्सियत बनकर सफरे हयात को इस तरह तय करती चली जाए कि वो इब्तई मनाजिल में से गुजरती हुई अपने इंतहाई मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए